गाइस, मैं हूं आप सबकी प्यारी प्रिया। आप सभी का स्वागत है प्रियास होम किचन में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूं खजूर रोल्स, जो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है विदाउट शुगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खजूर ले लिए है, जो अंदर के जो बीज रहते हैं उसको मैंने पूरा निकाल दिया, पूरा अच्छे से इसको साफ कर दिया है। आपके हिसाब से इसे ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट है जो मैंने इसमें चॉप किया है, काजू बादाम पिस्ता, ये घी और ये खसखस है और ये बारीक चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट है जो हमें बाद में रखेगा रोज बनाने के लिए। हमें इस खजूर को थोड़ा क्रश करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ थोड़ा ही तंग कर देगा ऐसे। ये गाइस हमारा हो गया है। अब हम इस खसखस को थोड़ा रोस्ट करेंगे। थोड़ा सुनहरा होने तक हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच, 2.5 मैंने डाला है। जैसे हमारा घी गर्म होगा उसमें हम ये ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे सुनहरा होने तक। और गाइस इसे हम स्लो आंच पे ही भूनेंगे अच्छे से। अब हम इसमें खजूर डालेंगे, जो क्रश किया हुआ हमने खजूर रखा था वो। और इसको स्लो ही आंच पे हम इसको पकाएंगे। अब ये हमारा बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा खसखस डालेंगे, 2 स्पून मैंने इसमें खसखस लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी गाइस ये हमारा बन चुका है, इसको ज्यादा मत पकाना, ड्राई हो जाएगा तो रोल्स नहीं होंगे हमारे। अभी हमें गैस बंद कर रही हूँ और इसको हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये हमारा ऐसे ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसके रोल्स बनाएंगे। गाइस ये अब हमारा ठंडा हो चुका है, सिर्फ चेक करेंगे हम। ऐसे रोल्स हो गए तो समझो ये हो गया है परफेक्ट। अब हम खसखस लेंगे, ये मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ है, फिर इसमें हम खसखस ऐसे डालेंगे, रोस्ट किया हुआ खसखस। अब आप आपके हिसाब से आप ले सकते हो थोड़े ड्राई फ्रूट। आपके हिसाब से ले सकते हो। अब हम इसके रोल्स बनाएंगे। अब ये ड्राई फ्रूट और खसखस है, इसमें हम ये रोल्स रखेंगे। और गाइस इसको ऐसे टर्न लेना है, इसे हमें टर्न करना है, जो इस पे ड्राई फ्रूट और खसखस अच्छे से हो जाएंगे, लग जाएंगे।
ये रोल्स हमारा रेडी है। अभी हम लेंगे ये फॉइल पेपर, इसको हम ऐसे रखेंगे नीचे, और जो हमने खजूर का रोल्स बनाया है उसको इस पे रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे हल्के हाथों से। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। और इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे पैक कर देंगे हम। अभी गाइस हमको इसे फ्रिज में रखना है 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए। 2 hours later. अब हमारा ये रेडी हो चुका है जो मैंने फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। इसको हमें ऐसे कट करना है हल्के हाथों से। खजूर रोल्स रेडी हो चुके हैं गाइस, आप सभी इसे घर पे ट्राई कीजिए। ओके गाइस, बाय।